नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में मेरा नाम अरविंद कुमार है और आप देख रहे हैं अरविंद यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे स्वर्ग से जो पेड़ आया हुआ है प्रजात वृक्ष, और वो आपको दिखाएंगे जो कि पड़ता है बाराबंकी ज़िले में। जी हाँ दोस्तों, और अभी हम आए हुए हैं रामनगर से भाई 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप लोगों को दिखाते हैं प्रजात वृक्ष कैसे आया, किस तरह से आया, तो पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं प्रजात वृक्ष। और गाइस, सामने देख सकते हैं ये जो अंदर जाने का रास्ता है, और एक गेट जो है अभी खुला हुआ है, एक बंद है, और रोड के दोनों तरफ देख सकते हैं दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, और प्रसाद जो है तो यहाँ से लोग ले जाते हैं, अंदर भी चढ़ाते हैं प्रसाद, और कुछ काम भी यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और अभी आपको बता दें कि जुलाई जो है तो आज 1 जुलाई है दोस्तों, और आज हम आए हैं प्रजात वृक्ष के दर्शन करने। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 जो है तो मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। और चलते हैं, आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। और यहाँ पर भी काम चल रहा है, सुबह का टाइम है भाई, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो वैसे बहुत सारे लोग आते थे, भीड़ भी यहाँ पर होती थी लोगों से जो हमने मालूम किया है। और इधर जो देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ क्या है, टाइल्स लगा जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर अंदर आए भाई, तो बहुत अच्छा लगा और स्वच्छ वातावरण है दोस्तों। और इधर देख सकते हैं काम चल रहा है, और यहाँ तक टाइल्स भाई लग गई है रोड के दोनों तरफ, देख सकते हैं टाइल्स जो है तो लग गई हैं। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो सामने अभी कोई नहीं है, और इतना भाई अभी सन्नाटा है, और बहुत अच्छा लगता है, साफ सफाई भी यहाँ पर अच्छी है इस समय। और दोस्तों चलते हैं, थोड़ा आप लोगों को हम दिखाते हैं प्रजात वृक्ष, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर, ये सामने देख सकते हैं ये प्रजात वृक्ष है, और ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर कुछ जिलाधिकारी महोदय ने कुछ ज्ञान दिया है, तो स्वर्ग से उतरा ये एक प्रजात वृक्ष और स्वर्ग कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रजात वृक्ष, जिसको कल्पातरु कल्पदान वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारण यह है कि समुद्र मंथन से 14 रत्नों में से यह एक देव है। जी हाँ दोस्तों, और देवगिरि इसे स्वर्ग से लेकर आए थे पृथ्वी पर। जो वृक्ष है तो भाई उस वृक्ष के सामने हम आ गए हैं, और इधर ये देख सकते हैं वृक्ष में भाई पत्ते भी खूब सारे आ गए हैं, और ये जुलाई और अगस्त के महीने में जो है तो इसमें फूल भी आने लगते हैं, और अभी कोई फूल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि आप सामने देख सकते हैं अभी कुछ फूल नहीं इसमें दिखाई, पत्ते जो हैं तो पूरी तरह से वृक्ष में आ चुके हैं। और इधर जो हैं तो नीचे देख सकते हैं जो इनकी शाखाएँ हैं तो अभी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और इधर ये पाइप लगे हुए हैं जो शाखाएँ नीचे न लटकने पाएँ तो पाइप भी लगाए हुए हैं। और वृक्ष के जो कि चारों तरफ देख सकते हैं बाउंड्री वाइज बनी हुई है, और वहाँ पर पास में बाउंड्री भी बनी हुई है। तो दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में, प्रजात वृक्ष के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को हम देते हैं, जो कि ये वृक्ष है प्रजात का, तो ये 70,000 साल जो कि पुराना वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, 70,000 साल ये वृक्ष जो है तो पुराना है, और आप लोग ये देख सकते हैं कितना विशाल वृक्ष है। वृक्ष की तना जो है तो 10 मीटर की है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो तना है तो 10 मीटर की है, और जो ये वृक्ष है तो 6 महीने में जो है तो हरा भरा रहता है, और 6 महीने में जो है तो ये सूखा रहता है, और जुलाई और अगस्त के महीने में इस वृक्ष में फूल आ जाते हैं सफ़ेद रंग के, जो सूखने के बाद में सुनहले हो जाते हैं दोस्तों। और महाभारत के पहले अंतिम द्वापर का है ये, और इस प्रजात वृक्ष के नीचे हनुमान जी का, जो कि आप सामने देख सकते हैं, ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि यहाँ के लोगों से हमने मालूम किया है, तो ये बता रहे हैं कि प्रजात का जो वृक्ष है तो पूरे विश्व में एक ही वृक्ष है प्रजात का, जो कि स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष है, और इसकी जड़ें जो हैं तो सीधे पाताल लोक तक गई हैं। जी हाँ दोस्तों, पाताल लोक तक जो हैं तो इसकी सीधे जड़ें गई हुई हैं। और दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये जो कि आप सामने देख सकते हैं, ये एक सफ़ेद फूल जो है तो इस वृक्ष में भाई दिखाई पड़ा है, बस एकमात्र सफ़ेद फूल है। और ये फूल आपको बता दें कि सूखने पर जो है तो सुनहला हो जाता है, पूरे भाई वृक्ष में जो कि आप लोग देखेंगे तो कहीं पर फूल नहीं नज़र आ रहा है। और ये देखते हैं सामने, ये देख लो सफ़ेद रंग का ये फूल है, और सूखने पर जो है तो सुनहला हो जाता है, और अभी जुलाई के महीने में जो है तो अब फूल जो है तो इसमें आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। और इधर इस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रजात वृक्ष पर किसी प्रकार का जल फूल आदि ना चढ़ाएं। और एक ये बोर्ड लगा हुआ है, वृक्ष की डाल पत्ती फूल छूना व तोड़ना सख्त मना है, जिलाधिकारी ने कुछ ज्ञान इस पे। और गाइस, इधर देख सकते हैं सामने कुआं है, और इस पर लिखा हुआ एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, और इसके साइड में देख सकते हैं ये रोड बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो कि केले के पेड़, ये जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। और वहाँ यहाँ पर भाई स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ, और इतने सारे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, और ये देख सकते हैं
ईंटों के जो हैं रोडे बने हुए हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए। और यहाँ पर कुछ साधु संत रहते हैं जिसकी प्रजात वृक्ष की देख रेख दोस्तों करते हैं यहाँ पर। और दोस्तों इधर सामने प्रजात वृक्ष के सामने जो है तो शंकर जी की जो है तो मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर लोग आते हैं परिक्रमा लगाते हैं, जिनकी मनोकामनाएं परिक्रमा लगाने से बोलते हैं पूरी हो जाती हैं, तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। और आज अभी सुबह का टाइम है तो अभी देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, अभी कोई आया नहीं है यहाँ पर प्रजात वृक्ष। और अगर आप लोग आते हैं दर्शन करने, प्रजात वृक्ष को देखने आते हैं, तो एक बार ज़रूर आइए। बाराबंकी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है प्रजात वृक्ष, जो कि रामनगर रोड से सीधे पूर्व की साइड में 12 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं, और इस पर लिखा हुआ है कृपा जूता चप्पल उतार के नीचे परिक्रमा करें। और यहाँ पर लोग चुनरियाँ देख सकते हैं, कितनी सारी चुनरी जो है तो बांधी हुई हैं। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बाबा संत साधु लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर देख सकते हैं ये मंदिर है दोस्तों। और चलते हैं फिर, आज का वीडियो बस यही था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो मैं नए नए वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। और मैं इसी तरह के ब्लॉग लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नीचे कमेंट करके जो बताना आपको कैसा है मेरा वीडियो लगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।